एक फुन भूखा है तो मैं हम जो रोटी जिमोड़ा है वे सब जाना दो ही हाथ खड़ा करो एक बार ऊपर हम मुट्ठी बंद करो पंजा नहीं दिखाना हमारे पूरी जोर बोलो भारत माता की वे आज तो इन जेव तो 5 लाख पार नहीं वे हाथ ऊंचा करो पाची मुट्ठी बंद करो दांत भीजो एक बार जोर भगवान ने राम जी ने याद करो और अब बोलो भारत माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम वंदे वंदे मातरम 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 मंच पर विराजमान भारत की संसद में मेरे साथी जालौर सिरोही के लोकसभा क्षेत्र के लगातार 3 बार प्रतिनिधित्व करने वाले श्री देवजी भाई पटेल मंच पर विराजमान कार्यकर्ताओं के सम्मान का प्रतीक जालौर लोकसभा क्षेत्र जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामित आदरणीय लुम्बाराम जी मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के सम्मानीय मंत्री आदरणीय भोपा जी ओटाराम जी मुख्य सचेतक जालौर के यशस्वी विधायक आदरणीय जोगेश्वर जी विधायक आदरणीय समाराम जी आदरणीय छगन सिंह जी आदरणीय बाबू सिंह जी आदरणीय जीवाराम जी आदरणीय जिला प्रमुख साहब जालौर राजेश राणा जी प्रमुख साहब सिरोही आदरणीय अर्जुन जी इस देवतुल्य सभा में उपस्थित जगसी राम जी नारायण सिंह जी बा रामलाल जी और हमारे पचपतरा वायड़ा बा अमरा राम जी इस देवतुल्य सभा में बिराजोड़ा पूरा राम जी आदरणीय महेंद्र बोरा जी सम्मानीय दोनों जिलाध्यक्ष आदरणीय मंगल सिंह साहब सिराना आदरणीय भवानी सिंह साहब बाकरा आदरणीय वरद सिंह जी महिला मोर्चा की अध्यक्षा आदरणीय रक्षा भंडारी जी आदरणीय सावड़ा राम जी देवासी मंच पर उपस्थित हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए संत समाज के सभी सम्माननीय संतगण मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दायित्ववान कार्यकर्ता जनप्रतिनिधिगण पूर्व जनप्रतिनिधिगण देवतुल्य सभा में उपस्थित जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित सरपंच पंचायती राज संस्थान के सारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए मेरे सारे पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति युवा साथियों पत्रकार मित्रों मैं आप सबको इस जालौर की पवित्र धरती को साक्षी मानते हुए जो जालौर की धरती ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में शाका और जौहर दोनों देखा है उस पवित्र धरती को अपने सिर पर चंदन के माथे रखते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों जालौर की करामाती धरती है 1134 के साल में जब खिलजी ने डेरा डाल दिया था इस सनातन की सभ्यता को संस्कृति को पतलित करने के लिए जब आक्रांताओं ने इस जालौर को घेर लिया था तब इस जालौर के शूरों वीरों ने अपने रक्त के प्रवाह से और माताओं बहनों बहनों ने जौहर करके इस सनातन की रक्षा की थी। ये धरती वंदनीय है अभिनंदनीय है ये धरती चंदन से भी ज्यादा पवित्र है। मित्रों आज हम सब यहां लोकसभा चुनाव में आदरणीय लुम्बाराम जी के नामांकन की सभा में उपस्थित हुए। चुनाव होने वाला है रणभेरी बज चुकी है युद्ध का नगाड़ा बज गया है दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी। निश्चित रूप से हम सबको विचार करने की आवश्यकता है कि हम कौन सा और किसका चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि अब की बार का यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। 2014 में
लोकसभा के चुनाव के समय में जिस तरह के हालात देश में थे, 10 साल से देश में जिस तरह की परिस्थितियां थी, जिस तरह से देश में उस 10 साल में भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ, भ्रष्टाचार का संस्थागतकरण किया गया, धरती के अंदर कोयले से लेकर के आकाश में तरंगों तक पे भ्रष्टाचार किया गया, बता दिए दीदी, देश में भ्रष्टाचार के नित नए अध्याय लिखे गए। देश में जिस तरह के हालात उस समय बने थे, एक तरफ भ्रष्टाचार के कारण देश आर्थिक रूप से खोखला हो रहा था, दूसरी तरफ हमारी सीमाएं असुरक्षित थी। मुझे याद आता है, मैं उस समय सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करता था देश के, मैंने देखा था कि किस तरह से भारत के सैनिकों के सिर काट करके पाकिस्तान ले जाते, हमारी सैनिक चौकियों पर पाकिस्तान के लोग वहां से बंदूकों और वहां से तोपों से हमला करते, हमारे सैनिकों के, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सिपाहियों को मार करके डंडों पर बांध करके जानवरों की तरह बांग्लादेश की सीमा में ले जाया जाता था। लेकिन हम कमजोर देश की भांति केवल जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी शिकायत दर्ज कराते थे। भारत सामरिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो गया, आर्थिक रूप से खोखला हो गया, देश में नित्य प्रतिदिन आतंकवादी घटनाएं होती थी। ये स्वामी बैठे हैं स्वामीनारायण संप्रदाय से आए हुए, देश के धार्मिक आस्था के केंद्रों पर हमला हुआ, अक्षर मंदिर पर हमला हुआ, जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, जयपुर में बालाजी के मंदिर पर हमला हुआ, एक लंबी श्रृंखला हमारे बहुसंख्यक समाज के आस्था के केंद्रों पर चोट करके हमको मानसिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र के तहत आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों के कारण से हुई। हमारे आर्थिक गतिविधियों के केंद्रों पर हमला हो रहा, मुंबई पर हमला हुआ, हैदराबाद पर हमला हुआ, बेंगलोर में आतंकवादी धमाके हुए, पुणे में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके हुए, ये देश धमाकों और आतंकवादियों के घटनाओं की गूंज से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जिस तरह के हालात देश में बने थे, देश चारों तरफ से बिखराव के दौर पर था और सामान्य लोग ये मानने लगे थे कि ये बाढ़ ही जो है जिनको चुन करके हम बेचते हैं वो अब खेत को खाने लगी। ऐसे समय में मैं अभिनंदन करूंगा आप सब लोगों का, जालो और पवित्र धरती के लोगों का अभिनंदन करूंगा, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय जो संकल्प व्यक्त किया था कि हम देश में अब की बार जो देश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने, प्रधानमंत्री के नामित उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को भरोसा दिलाया, देश का आह्वान किया कि अब की बार हम 272 के पार करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आप देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, आप सबके परिश्रम से, आप सबके भागीरथी पुरुषार्थ से वो सपना साकार हुआ। राजस्थान में हम 25 सीट जीते और देश में 272 सीटों के से ज्यादा 282 सीटें लाकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने दिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले जो संकल्प देश के सामने किया था कि देश की जनता ने हमें देश चलाने के लिए यह सौभाग्यपूर्ण अवसर नहीं दिया है, ये भारत देश तो भगवान भरोसे अपने आप ही चलता है, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए 10 साल तक जिनकी आवाज लोगों को समझ में नहीं आई तो भी चल रहा था, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री आ गए जिनकी भाषा 5 साल तक राजस्थान के लोगों को भी समझ में नहीं आई तो भी चल रहा था, राजस्थान को, देश को बदलने के लिए देश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। और देश के बदलाव का रास्ता गरीब के घर से होकर के जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, महिला, इन सब के कल्याण के लिए काम करेगी, इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। अनेक योजनाएं देश में पहले बनती थी लेकिन वो योजनाएं धरातल पर उतरने पर गायब हो जाती। याद होगा बुजुर्ग लोग जो सामने बैठे, इंदिरा आवास बनता था, कतरा इंदिरा आवास बनता, अपर गांव में 2 बनता कि 3 बनता, सरपंच साहब रे पाड़े 2 आता तो रविंद्र सिंह जी सरपंच साहब काम करता, जब हमारे 2 आया एमएलए साहब की कृपा थी 2 आया बे आया हूं, एक तो मारे बनानो और एक मारे भाई ने बनानो, 300 करने बनानो, गांव वाला गरीब आदमी ने नहीं बनानो, गरीब आदमी इंतजार करता था दूर टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी को देख करके, जैसे इंतजार करता है कि कभी मेरे घर में भी दिया जलेगा, वैसे वो आशा के लेकर के जी रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने नई व्यवस्था कायम की, जो योजना हाथ में लेंगे वो योजना हर गरीब के घर तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। देश के
हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए काम करना प्रारंभ किया, 4 करोड़ घरों तक बिजली पहुंची। देश के हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया, देश में 11 करोड़ घरों तक गैस का कनेक्शन पहुंचा। देश में हर घर तक बैंक का खाता खोलने का काम शुरू किया। लोग कहते थे कि बैंक में खाता खोलने जाएंगे, बैंक के कंप्यूटर गर्म हो जाएंगे, हिंदुस्तान में 10 करोड़ खाते नहीं खुल सकते। 44 करोड़ खाते खोल करके हर गरीब के घर तक खाता पहुंचा दिया। आज मोदी जी वहां से पैसा भेजते हैं, सीधा आपके खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, सीधा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? कोई बीच में बिचौलिया एक पैसा भी खा सकता है क्या? ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 100 रुपए भेजता हूं, 85 रस्ते में गायब हो जाते हैं। वो रस्ते में जाना बंद हुआ कि नहीं हुआ? आपको पैसा सीधा मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी ने यह तय किया कि हर गरीब के घर में शौचालय बनना चाहिए। 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं, देश के हर घर तक शौचालय बन गया। देश का हर गांव जो है आज ओडीएफ प्लस होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 6 लाख में से 5 लाख गांव ओडीएफ प्लस हो गए। गरीब के घर में परिवर्तन लाने के लिए, माताओं बहनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मोदी जी ने तय किया हर घर तक पीने का पानी चाहिए। मैं अभी कल पढ़ रहा था अखबार में, ये कांग्रेस पार्टी के नेता यहां जालौर में भाषण दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जालौर में पीने का पानी नहीं आया, हम आएंगे तब लेके आएंगे। हमको ब्रह्म जो है आप वैभव जी को बनाओ, जालौर में हम पीने का पानी लेकर के आएंगे। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी आए, मैं स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी का, जोरदार ताली बजा करके सब लोग स्वागत करें। इतनी जोर से ताली बजनी चाहिए, इतनी जोर से ताली बजनी चाहिए कि उसकी गूंज जो है वो जयपुर में बैठे हुए गहलोत साहब को भी सुनाई देनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान का प्रतिबिंब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी जो है वो आज जालौर की धरती पर आए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। मित्रों, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पीने का पानी नहीं पहुंचा। मैं आज आप सबके सामने एक बात का खुलासा करना चाहता हूं कि पीने का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान में जो व्यवस्था लिखी हुई है उस व्यवस्था के अनुरूप पीने का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। माननीय मोदी जी ने यह संकल्प व्यक्त किया था। 2 मिनट मुख्यमंत्री जी बैठ जाऊंगा, पचे आप बात कर। जोरदार ताली बजा करके एक बार स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। मुहावरा हमें पीवन ना पानी की बात कर दो, कांग्रेस रहा नेता कहे कि पीवन ना पानी नहीं आवे। पीने का पानी लाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जो है वो पानी राज्य सरकारों का विषय है। सम्मानीय मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी 15 अगस्त 2019 को कि आजादी से लेकर के 72 साल में देश की सरकारों ने प्रयास किया, राज्यों की सरकारों ने प्रयास किया, स्थानीय सरकारों ने प्रयास किया। देश में 19.5 करोड़ घर हैं,
उनमें से मात्र 3 करोड़ 23 लाख घरों तक 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचा है। और जिस गति से देश में काम हो रहा है, अगर उसी गति से देश में काम होता रहा तो अगले 200 साल तक भी देश के हर घर तक पीने का पानी नहीं पहुंचेगा। इतनी बड़ी चुनौती लाल किले के प्राचीर से स्वीकार की कि हम आने वाले 5 साल में देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। मित्रों, योजनाएं बनाई, काम करना प्रारंभ किया। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि कोरोना के आपदा के कारण से 2 साल बर्बाद होने के बावजूद भी जो 16% घरों तक पानी जाता था जब काम शुरू किया था, आज देश में 76% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया है। देश में 100 में से 76 घर तक पानी जाता है। 19 करोड़ 40 लाख घरों में से लगभग 14 करोड़ 70 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। देश में 12 प्रदेश ऐसे हैं, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पांडिचेरी है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, दादरा नगर हवेली है। 12 प्रदेश ऐसे हैं जहां एक भी माता बहन को पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं जब रिपोर्ट कार्ड देखता हूं, मुझे प्रसन्नता होती है कि देश में हमने 12-11 करोड़ 50 लाख से ज्यादा महिलाओं के सर पे से मटके का बोझ उतारने का पुण्य जो है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का काम किया। लेकिन अपन मारवाड़ी में कहावत है, मोरियो पगाम ही देखें जन रोया कर। मैं जब अपनी तरफ देखता हूं, राजस्थान की तरफ देखता हूं, तब मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती। कलम की ताकत मेरे पास में थी, कलम की ताकत मेरे पास में थी, ना कोई नहीं टनकाओ टनकाओ जगह आप टनकाओ अपन कौन टनकाओ तू रटो भाई थोड़ा जगह करो ओ दर्जीलाल जी तू रटो थोड़ा जगह करो मां को बैठने दो बैठो मां बैठो आप बिल बिरा जाओ। कलम की ताकत आपके आशीर्वाद से मेरे पास में थी। मैंने इस तरह के नियम बनाए, इस तरह के कानून बनाए, कायदे बनाए कि राजस्थान को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, दूर दराज से पानी लाना पड़ेगा, कहीं माही से पानी लाना पड़ेगा, कहीं सांचौर से नर्मदा का पानी लाना पड़ेगा, कहीं चंबल से पानी लाना पड़ेगा, कहीं बीसलपुर से बनास का पानी लाना पड़ेगा, कहीं राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर से पानी लाना पड़ेगा, दूर दराज से पानी लाना पड़ेगा, ज्यादा पानी ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे ज्यादा बजट राजस्थान को दिया, देश में सबसे ज्यादा बजट। राजस्थान में 1 करोड़ कनेक्शन करने थे, काम शुरू हुआ उस समय 12 लाख कनेक्शन, 1 करोड़ घर में से 12 लाख में पानी पहुंचता था, 88 लाख घर तक पानी भेजना था। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ कनेक्शन में से केवल 2.5 लाख तक जाता था, उनको 2 करोड़ 22 लाख घरों तक पानी पहुंचाना था, उनसे भी ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, योगी जी महाराज के उत्तर प्रदेश में 1% से काम शुरू किया था, आज 80% घर तक वहां पानी पहुंच गया। और राजस्थान में प्रगति के दृष्टि से देखूं तो देश में नीचे से दूसरे नंबर पर राजस्थान। 27,000 करोड़ रुपया मैंने दिया था पिछली सरकारों के, पिछले 4 साल में इस सरकार, लेकिन उस 27,000 करोड़ में से मात्र 6,000 करोड़ रुपया खर्च किए। जालौर सिरोही में भी 784 गांव केवल जालौर जिले में है, उन 784 गांव में से आधे गांव में भी अभी परियोजना पर काम नहीं हो पाए। ये पाप किसने किए? ये कांग्रेस की सरकार ने पाप किया। ये जो कांग्रेस के पार्टी का राजकुमार आपके यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आया है, गांव में आए तो पूछिए ये पानी का पाप, पानी पर राजनीति का पाप तुम्हारे बाप ने क्यों किया, पानी पर राजनीति का पाप तुम्हारी पार्टी ने क्यों किया, पानी पर राजनीति का पाप जो है प्यासे कंठों पर राजनीति का पाप इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, गहलोत सरकार ने क्यों किया, पहले इसका जवाब दो। मेरी हर माँ को प्रश्न पूछने का अधिकार है, मेरी हर बहन को प्रश्न पूछने का अधिकार है कि मेरे सर पे ये मटके का बोझ है वो बेबोझ बनाए रखने का पाप तुमने क्यों किया। केवल और केवल राजनीति, केवल और केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से उसमें पैसा कमाना और राजनीति की फुटबॉल बनाने का काम जो जल जीवन मिशन को अगर किसी एक प्रदेश में हुआ वो इस राजस्थान में हुआ। और उसके दोषी लोग आज पानी का हिसाब पूछने के लिए भजनलाल जी से बात करते। मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से उस परियोजना को, जल जीवन मिशन योजना को हमने 2 साल आगे बढ़ा दिया है। भजनलाल जी ने चिट्ठी लिखी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में चिट्ठी लेकर के गया, मैंने आग्रह किया साहब राजस्थान में काम आधा भी नहीं हुआ है, दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है, 2 साल अगर आगे नहीं बढ़ाया तो राजस्थान के लोग प्यासे रह जाएंगे, आने वाले सदियों तक लोगों के पास नहीं पहुंच सकेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इस पर काम करने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाएं।
इस साल का बजट घोषित कर दिया, 90,000 करोड़ रुपया बजट इस साल के खाते में, बजट खाते में जल शक्ति मंत्रालय को दे। मित्रों, ये जो सकल राजनीति करने वाले लोग हमको यहां आकर के प्रश्न करते, और भैया जो आया है थोड़े हटे हमारे एक टावर गमेड़ो जोधपुर उठा रहे आए कि भाई भाई मैं पाचो हो दिन आया मेरे बाबू जी दोनों भाई मार पाचो दे दीजो गमा जो मत हो अटराग जो मत कोई हमारे ऊंट रो कोई टोड़ ही गम जाती बाहर गांव चली जाती पाचो आता धनी आदन पाचो देता कि नहीं देता भाई मैं हमारे पास देता कि नहीं देता मारो टावर गमेड़ो थारे जालोर में आयो भाई राग जो मत पाचो मारो आजो ऊरो पाचो दीजो मैं मारो प्रेम ले जाऊ पाचो चले गमाओ ना होरो राग जो गमार पाचो भेज दो फटाफट भाई हो घना दिन मत राग दो घना दिन बारे हजरत आपन ने हमें बाबू सिंह दो ये लेवन नहीं जाया। लेकिन मित्रों ये चुनाव जो है ये चुनाव विकास का चुनाव नहीं। अभी देव जी भाई अपने 15 साल का हिसाब किताब दे रहे थे, जोगेश्वर जी कांग्रेस पार्टी की विफलताओं के और उनके सरकार के झूठे आश्वासनों की बात कर रहे थे कि भाई शिलान्यास बाटा एक ला पड़िया बेटा डाटे रोए बापड़ा बाटा मान कोई अवेरिया को नहीं हमें अवेयर न पड़े आपने। लेकिन मैं ये आपसे निवेदन करने आया कि ये चुनाव जो है ये चुनाव किन्हीं दो पार्टियों के बीच में नहीं है, ये चुनाव किन्हीं दो प्रत्याशियों के बीच में नहीं है, ये चुनाव आपकी बार का चुनाव जो है ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। एक विनाश की विचारधारा और दूसरी विकास की विचारधारा। एक विचारधारा ने इस देश को बांटने का काम किया आजादी के समय, उसी विचारधारा ने देश की जमीन को प्राकृतिक कश्मीर के रूप में छोड़ने का पाप किया, उसी विचारधारा ने आज मुझे कहते हैं लोग की लूणी में पानी आना चाहिए जवाई में पानी आना चाहिए। देश की आजादी के 15 साल बाद में भारत के हिस्से का पानी भाई हिमालय से जो 6 नदियां निकलती है उसमें से रावी व्यास सतलज को छोड़ करके झेलम चेनाब और सिंधु उन 3 बड़ी नदियों का पानी जो कुल पानी का 80% 82% पानी था वो उस 18% के भूभाग पाकिस्तान को देने का पाप करने वाली विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने 65 और 71 दोनों में हमारी सेनाओं ने जो जमीनें जीती झुक करके समझौता करके वो जमीनें छोड़ने का पाप जिन्होंने किया वो विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने 62 की लड़ाई में जो अक्साई चीन का क्षेत्र जीतना जिस चीन ने हथिया लिया उसको हमेशा हमेशा के लिए काट करके और भारत से बाजू को अलग करने का पाप जिन्होंने किया वो विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने जमीन के अंदर कोयले से लेकर के आकाश की तरंगों तक भ्रष्टाचार को किया देश के पहले घोटाले से लेकर के इस 21वीं सदी के आखिरी घोटाले तक करने का पाप जिस सरकार ने जिस पार्टी ने किया वो विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने देश को बांटने का पाप किया समाज को मजहब के आधार पर बांटा समाज को पूजा प्रतिति के आधार पर बांटा समाज को आस्था केंद्रों के नाम पर बांटा समाज को ऊंच नीच के आधार पर बांटा समाज को अमीर और गरीब के नाम पर बांटने का पाप जिन्होंने किया एक तरफ वो विचारधारा है और दूसरी तरफ गरीब को गणेश मान करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कि गरीब चाहे किसी भी जाति का है वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे अमीर है चाहे 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 अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति का है सामान्य वर्ग का है ओबीसी का और उसका दर्द एक ही जैसा गरीब को गणेश मान करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जिस विचारधारा ने किया वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंत्योदय का लक्ष्य लेकर अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाएंगे इस लक्ष्य को लेकर के काम करते हुए देश के 25 करोड़ लोगों को 10 साल में गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले नरेंद्र मोदी की विचारधारा एक विचारधारा जैसा मैंने कहा देश के बांटने वालों की थी देश के बटे हुए देश को केवल 4 ही जातियां हैं एक गरीब जाति है एक महिला जाति है एक किसान देश की जाति है और एक युवा जाति है बाकी सब जातियों के भेद और विभेद समाप्त करने की चर्चा करने वाला नरेंद्र मोदी की विचारधारा एक तरफ देश को तोड़ने की विचारधारा और दूसरी तरफ 370 को हटा करके इस देश के एक माथे पर कलंक जो था अलगाव का कलंक था बिखराव का बिखराव का जो कलंक था उस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने वाली विचारधारा एक तरफ वो विचारधारा है जो सनातन का अपमान करती है वो विचारधारा है ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं
कि मोदी जीता तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी, सनातन को अगर मारना है तो मोदी को मारना पड़ेगा, मोदी को मारना पड़ेगा, ये कल्पना करने वाले लोग। और दूसरी तरफ उसी गठबंधन के लोग जो कांग्रेस पार्टी के नेता आए तो उनसे खड़े होकर के साहस के साथ में पूछिए कि तुम उन लोगों के साथ में खड़े हो जिन्होंने ये कहा कि ये सनातन धर्म जो है ये कोरोना के जैसा है, ये डेंगू के जैसा है, ये कैंसर के जैसा है, इसको जल्दी समाप्त होना चाहिए। मित्रों, इस सनातन की सभ्यता को, इस सनातन की संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखने में इन भगवान वेदधारियों ने योगदान किया, अपने जीवन समर्पित किए। यूनान, मिश्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, वो बात यह है कि उस अस्थि को रोकने के लिए, उस सनातन की आंधी को रोकने के लिए या तो लोगों ने भगवान के वेश धारण किए या माथे पर केसरिया करके जाल और दुर्ग से बाहर निकाल करके हंसते हंसते अपने आप को इस सनातन की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। ये सनातन की बलिवेदी पर उन माताओं बहनों ने अपनी सिख शील की रक्षा के लिए कि मेरे देहांत के बाद में भी कोई मेरे शील को भंग न कर सके, कोई मेरे को अपवित्र हाथों से, अपवित्र भाव से छू न सके, अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया। इस सनातन की रक्षा के लिए इस जालौर में जौहर और शाखा हुआ, इस सनातन की रक्षा के लिए रणथंभौर में जौहर और शाखा हुआ, इस सनातन की रक्षा के लिए गागरौन में जौहर और शाखा हुआ झालावाड़, इस सनातन की रक्षा में आपके पड़ोस में शिवाना में जौहर और शाखा हुआ, इस सनातन की रक्षा के लिए जैसलमेर में जौहर और शाखा हुआ, चित्तौड़ में जौहर और शाखा हुआ। जिस सनातन को 2000 साल तक आक्रांता नहीं मिटा पाए, उस सनातन को खत्म करने की कल्पना करने वालों का कुनबा जो है वो आपके सामने वोट मांगने के लिए आया है। ये चुनाव दो पार्टियों के बीच में, दो प्रत्याशियों के बीच में नहीं है, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में, एक सनातन को अजर अमर करते हुए उसके मान बिंदुओं का, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, उन सबका सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ इन सबका अपमान करके देश के स्वाभिमान को तोड़ने वाले लोग हैं। अब फैसला आपको करना है, ये फैसला आपको करना है। हम छोटे मोटी बातों को लेकर के इधर उधर बिखर, कोई कहता है कि राजपूत नाराज हो गया, कोई कहता पटेल नाराज हो गया, कोई कहता और कोई नाराज हो गया, कोई कहता कोई नेता नाराज हो गया, कोई कहता बिश्नोई नाराज हो गया, कोई नाराज नहीं हो सकता, सबको साथ लेकर के खड़ा होना पड़ेगा। हम सब इस सनातन के सारे अलग अलग रंग हैं, इस सनातन की बहुरंगी संस्कृति के हम सब लोग हिस्से हैं, एक भी रंग के बिना हमारा सनातन अधूरा है। हम सब लोग मिलकर के काम करें, हम सब लोग मिलकर के सनातन को की धारा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, माननीय मोदी जी के स्वाभिमान को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए हम सब लोग खड़े हों। एक ही दूल्हा है, एक ही प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है नरेंद्र मोदी और कमल का फूल, उसको विजयी बनाने के लिए हम सब लोग अपने दोनों भुजाएं उठाएं, संकल्प की मुट्ठी को बंद करें, पूरी ताकत के साथ में ऊंचे करके संकल्प की मुट्ठी को बंद करके बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही जोश के साथ हम सबका जोश बढ़ाया। मैं